यूं तो सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने वार्डों के अंदर लोगों के घर द्वार जाकर वोट मांगने की चुनावी होड़ बना रखी है। यहां तक कि भाजपा व कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की भी यदि बात की जाए तो यहां पर वार्ड नंबर 11 में आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार अनीश ठाकुर उर्फ निशु सोलन शहर के लिए एक नया चेहरा चुनावी मैदान में है। लोगों ने उनके दिल को मोह लिया है और उन्हें भरपूर समर्थन मिल सकता है। बस वह उन लोगों से वोट मांगने की गुहार कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने पर पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद किया है। वह क्या कह रहे हैं आप जान सकते हैं हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के पत्रकार टीकाराम शर्मा के साथ उनकी खास वार्ता। सर हिमाचल प्लस न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं टीकाराम शर्मा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वार्ड नंबर 11 से आप आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी उतरे हैं और वार्ड के अंदर जो भी आपकी दिक्कत समस्या है उसको लेकर यदि जनता आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाती है तो आपका क्या समाधान रहेगा समस्या को लेकर, प्लीज। हमारा पहले तो सभी वार्ड वालों से ये अपील रहेगी कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने बीजेपी को मौका दिया, एक बार आप आम आदमी पार्टी को भी मौका देके देखें। दूसरा सर मेरा ये रहेगा कि जैसे एक नाम अभी कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीएम जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है श्री जयराम ठाकुर जी, वो स्वयं जो है प्रचार प्रसार को लेकर जुटे हुए हैं और कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार कांग्रेस के भी कई नेता जो है मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो प्रत्याशी के साथ जो है प्रचार प्रसार को लेकर जुटे हुए हैं और आप स्वयं जो है प्रचार को आपका कोई भी बड़ा नेता जो है सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर आपके बीच मौजूद नहीं है, फिर भी जो आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसको लेकर पार्टी के विरुद्ध आप क्या कहना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी चुनाव नेता मैदान में उतरे हुए। इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं विधायक मंत्री मुख्यमंत्री हम लोग जनता की पैसों से इन लोगों के इतने भत्ते एक दिन का खर्चा एक विधायक का 50,000 मंत्रियों का 50,000 से ऊपर होता है, इनकी सारे खर्चे भत्ते अगर हम देखें तो ये लोग हमने इन लोगों के क्षेत्र के लिए विकास के लिए इन लोगों को भेजा है ना कि चुनाव प्रचार के लिए। अगर इन्होंने चुनाव प्रचार अब शुरू कर दिया है तो ये अब लोकसभा चुनाव तक रुकेंगे नहीं और लोगों के काम लोग इन्हें निहारते रहेंगे अपने अपने क्षेत्रों में कि हमारे विधायक कब चुनाव प्रचार से फ्री होके आए और हमारे कामों की तरफ ध्यान दें। इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में अगर काम किया होता तो लोग इनको यहीं से ही बैठ के वोट देते और हमारे गलियों में ये घूम रहे हैं जिस हिसाब से और एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति को मनाया जा रहा है तो इससे साफ दिखता है कि आज सरकार को पता लग गया है कि जनता इनसे नाराज चल रही है, इसीलिए ये बड़े बड़े नेता लोगों के बीच में आके उनको घर जैसा माहौल बता रहे हैं कि हम उनके घर के आदमी हैं, उनके लिए हर काम करने के लिए तैयार है। हमारा पूछना ये है कि अगर आप इतने ज़्यादा तैयार थे, आप लोगों ने इतने काम किए होते तो आप लोगों को वोट मांगने की जरूरत ना होती। हम लोग आज आपसे आपके साथ खड़े होते, हमारे लोग आज आपके साथ खड़े होते, पर आप लोगों ने वही किया जो जिस चीज़ की आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। जनता ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को सबने समर्थन दिया पर बीजेपी ने भी ही अपना वही दोहरा चेहरा दिखा दिया कि वो भी कांग्रेस से कोई कम नहीं और सिर्फ सरकार के शोषण पे ही हमारा ध्यान है इन लोगों का कि सरकारी पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है प्रचार में प्रसार में। जितने हमारे वार्ड में इन लोगों के झंडे लग चुके हैं इतने में तो हमारे स्कूल के बच्चों की वर्दियां आ जाती, जितना इन लोहा इन्होंने अपने होल्डिंग्स में लगा दिया है इतने में तो कई कॉलोनियों की ग्रिलें बन जाती, जितने में इन लोगों ने यहाँ पे ठहरने रहने मंत्रियों का पूरे विभाग पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इनकी ड्यूटियों में लगा हुआ है, ये सारा खर्चा हम आम लोगों की जेब से जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और यही कारण रहा हमें थर्ड फ्रंट को न्योता देना पड़ा कि आप लोग आए ताकि इन लोगों को थोड़ा सा डर हो और ये डर दिख चुका है जिस हिसाब से आज कांग्रेस बीजेपी एक भाई भाई हो चुके हैं और इनका कहना एक है कि आम आदमी और आजाद उम्मीदवारों पे खास नजर रखी जाए, इन लोगों को आगे ना आने दिया जाए। तो इसका एक मकसद है कि आप आम लोगों को अंदर नहीं आना देना चाहते, आप लोगों की एक मिलीभगत
कि एक परिवार है कांग्रेस बीजेपी का, जिसमें आप लोग चाहते हैं कि 5 साल हम और 5 साल तुम राज करो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे और तुम हमें कुछ मत बोलना। आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ये आपस में, तो इसका क्या फायदा है कि अगर अगर कांग्रेस बेईमान है तो आज उसे वो कानून के दरवाजे पे क्यों खड़ा नहीं कर रही है, और अगर बीजेपी में ये है तो कांग्रेस इसका खुल के विरोध क्यों नहीं कर रही है। मेरा कहना ये है कि अगर हम नगर परिषद में चुन के हमारा एक भी आदमी आम आदमी पार्टी का अगर नगर निगम में आता है तो सबसे पहले हम उन लोगों को सरकार के दरवाजे पे, कानून के दरवाजे पे खड़ा कर देंगे जिन लोगों ने आज से पहले इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और जो उनके साथ जिन लोगों का भी साथ होगा उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये जो काम आज तक नहीं हुए, इससे हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे को इस बात का जवाब दिया जाए कि अब आप काम करने के लिए कह रहे हैं कि अब हम नगर निगम बन गया है, हम ये कर देंगे, फंड ला देंगे, हमारी सरकार है। आपकी सरकार नहीं है, किसी पार्टी विशेष की सरकार नहीं होती है। अगर यहाँ का कोई विधायक है तो वो गलत फहमी ना पाल ले कांग्रेस ये कि वो हमारा विधायक है, वो हम जनता का विधायक है, वो हम सब का विधायक है। और मुख्यमंत्री भी एक बात सुन ले कि मुख्यमंत्री भी वो किसी पार्टी विशेष का ना होके वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिस तरीके से, उनको जनता ने प्रचार प्रसार के लिए नहीं अपने कामों के लिए चुना है। उनको ये छोड़ के कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी और कौन ये अपनी टिप्पणियों पे थोड़ा सा लगाम रखना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें 22 में आम आदमी पार्टी 22 में भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। सर दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि जो आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भिन्न है, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा घोषणा पत्र ही भिन्न नहीं है, हमारे काम करने का तरीका भी भिन्न है। हम लोगों की समस्या को उजागर कर रहे हैं, ये लोगों की समस्या को बता रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। हम लोगों ने आपसे ये घोषणा पत्र जो इनका है, मैंने अभी इतने गौर से पढ़ा है, थोड़ा बहुत गौर से पढ़ा है, तो मेरे को उसमें कुछ खास नहीं लगा सर। एक नॉर्मल है कि हम अपने वार्ड को आदर्श बनाएंगे। आदर्श वार्ड का मैं इनसे मतलब पूछना चाहता हूँ, क्या आदर्श वार्ड ये होता है कि आपने लाल पीला आज कांग्रेस बीजेपी ने पूरी गलियां हमारी पेंट कराने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को पैसा नहीं दिया है, हमारी नालियों में इनके कचरे इनके बैनर्स इतना खर्चा जो ये कर रहे हैं, ये आदर्श वार्ड अभी से ही इन्होंने दिखा दिया है कि कितना आदर्श वार्ड ये बनाएंगे हमारे वार्ड को। किसी की दीवार तक इन्होंने नहीं छोड़ी है, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पे पेपर वेस्टिंग, इतनी ज़्यादा पेपर वेस्टिंग करी है, इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में कोर्ट में हम खड़ा करेंगे। सर दूसरा, आप जो है नगर निगम सोलन के एक नया चेहरा है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने आपके लिए पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने जो आपको टिकट दिया है उसको लेकर आप पार्टी के विषय में क्या कहना चाहेंगे सर प्लीज? आम आदमी पार्टी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक आम आदमी को इस लायक समझा, और एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि एक आम आदमी ही लोगों के बीच में से चुन के जाना चाहिए, कोई नेता या व्यापारी जो आजकल नेताओं के बीच में घूम रहे हैं कुछ व्यापारी जिन्होंने जनता को निचोड़ दिया है, तो आने वाले समय में मैं इन लोगों को ये कहूँगा कि इन व्यापारियों को पहचानो और नेता नहीं एक सेवक चुनिए। हर वार्ड से मेरा यही अपील रहेगा कि आप पार्टी को छोड़ के आप व्यक्ति विशेष पे ध्यान दें कि वो हिमाचल प्रेस न्यूज चैनल के लिए सोलन से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।